अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं इस वजह से क्योंकि भारत और इसराइल दोनों हाथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडा शुरू कर दिए हैं। नाजरीन ग्रामी, भारत ने अफगानिस्तान में खुफिया मीटिंग्स भी की हैं इसराइल के साथ और इसराइलियों के साथ मिलकर अफगानियों को इस बात पर उकसाया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन ले। नाजरीन ग्रामी, हम आपके साथ एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर रहे हैं। एक सीनियर सहाफी जफर हलाली ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जिस तरह भारत पाकिस्तान के अंदर गुस्सा था, पाकिस्तान के अंदर आकर अटैक करने की कोशिश की थी, इसी तरह इसराइली त्यारा भी पाकिस्तान के अंदर आया और पाकिस्तानी फजाइया ने इसराइली त्यारे को भी घराया है और उसका पायलट भी पाकिस्तान के पास जेरे हिरासत है। भारत का अभिनंदन तो वापस कर दिया गया है लेकिन इसराइली पायलट अभी भी पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद है, ऐसा कहना है जफर हलाली का। नाजरीन ग्रामी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर रहे हैं आपके साथ जिसमे ये कहा गया है की इसराइल का त्यारा भी पाकिस्तान की फजाइया ने घिराया था जो सोशल मीडिया पर नहीं चला जा रहा। नाजरीन ग्रामी, हम आपको आगाह करते जाएं कि अमेरिका, दीगर यूरोपीय यूनियन की बहुत ज्यादा फोर्सेस पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मीडिया को प्रेशराइज कर रहा है कि कहीं ये खबर ब्रेक ना हो जाए और इसराइल को भी इस बात का डर है कि कहीं उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान के अंदर पकड़ा ना जाए। नाजरीन ग्रामी, जफर हलाली की इस बात ने तहलका मचाया है पूरी दुनिया में जिन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान की हिरासत में एक इसराइली पायलट मौजूद है। इसराइल चूंकि डायरेक्ट अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए आए थे और पाकिस्तान की फजाइया ने उन्हें मार कराया था, ऐसा कहना है जफर हलाली का। नाजरीन ग्रामी, जफर हलाली की इस बात को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर कुछ सोशल मीडिया के चैनल्स दिखा रहे हैं लेकिन अभी भी अमेरिका फुल फोर्स कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तानी आला अहदेदारान को कि कहीं ये ब्रेक ना हो जाए कि इसराइल भी पाकिस्तान के खिलाफ जंगी महाज और जंगी जुनून सवार होकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। नाजरीन ग्रामी, जफर हलाली की ये तमाम तर बातें ठीक भी हो सकती हैं क्योंकि जितनी एस्केलेशन भारत चाहता है पाकिस्तान के साथ उतनी ही एस्केलेशन इसराइल भी चाहता है। इसराइल के बड़े बड़े ऑफिसर अफगानिस्तान में मीटिंग में मौजूद थे भारत की राह और अफगानिस्तान के एनडीएस के साथ। नाजरीन ग्रामी, इससे बात ये साफ जाहिर होती है कि भारत के साथ साथ इसराइल भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहता है। हम आपको ये खबर फिर बता रहे हैं कि इसराइल का एक पायलट पाकिस्तान की जेर हिरासत है जिसका अभी तक किसी को कोई मालूम नहीं। मीडिया ये खबर चलाने से गुरेज कर रहा है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनाकर कुछ लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। नाजरीन, ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ इसका तो पता आने वाला वक्त ही बताएगा कि आया इसराइल का पायलट पाकिस्तान के पास मौजूद है या पाकिस्तान की जेर हिरासत में है भी या नहीं। अभी तक बहरहाल DGISPR की जानब से किसी तरह की कोई ट्वीट नहीं आई, किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया और हम वैसे तो DGISPR साहब के बयान को ही मुस्तरद मानेंगे। बहरहाल ये बात तो कंफर्म है कि इसराइल पाकिस्तान के खिलाफ जारियत करने की जरूर कोशिश करता है और भारत के साथ उसने हाथ भी मिलाया होगा। मीडिया ये बात क्यों छुपा रहा है इसका तो हमें पता नहीं। बहरहाल यूरोपीय यूनियन और अमेरिका फुल फोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान को कि वो इस खबर को ब्रेक ना करे, ऐसा कहना है जफर हलाली का। हजूरे वाला, आप इस पूरी खबर के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगेबान।